वो 105 घंटे जब 65 फीट गहराई में अटकी छत्तीसगढ़ की सांसें, वो 105 घंटे जब दुआ के लिए झुके थे सर, उठे थे सबके हाथ। राहुल, राहुल हाथ तो दिखा दो बाबू। वो 105 घंटे जब न भूख थी न प्यास न थी आंखों में नींद, वो 105 घंटे जब पूरा देश कर रहा था बस सलामती की दुआ, वो 105 घंटे जिस दौरान हर एक की जुबा पर था राहुल को बचाना है। तारीख 10 जून 2022, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का पिहरीद गांव, जहां चला दुनिया का सबसे बड़ा बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज पूरा एक साल बीत गया है, आज ही के दिन एक नन्ही सी जान छत्तीसगढ़ के एक जिले के गांव में खुले बोरवेल में ऐसी फंसी थी कि पूरे 105 घंटे तक उसने छत्तीसगढ़ की सांसें ही अटका दी थी। हम बात कर रहे हैं राहुल साहू की, जो अपने जज्बे और हिम्मत के बल पर मौत के मुंह से लौट आया। आज न्यूज 18 की टीम फिर पहुंची है उसी जगह जहां साल भर पहले चला था सबसे बड़ा बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन। हमने जाना है कि अब कैसी है राहुल की जिंदगी, आप भी देखिए। साल 2022 की ये तस्वीर किसी के भी जहन से आसानी से नहीं उतर सकती। कई फीट तक खुदी हुई जमीन, हजारों की भीड़ और दिन रात एक करके एक नन्ही जान को बचाने की जद्दोजहद। ये था दुनिया का सबसे बड़ा बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन, जो पूरे 105 घंटे के बाद जब पूरा हुआ तो हर किसी के चेहरे पर सुकून था, खुशी थी और खुद पर ही गर्व भी। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, राहुल को बाहर निकाल लिया गया बोरवेल से। आज जब घंटों चले इस घटनाक्रम को एक साल हो चुका है, तो एक बार फिर न्यूज 18 की टीम पहुंची राहुल के पास उसका हाल जानने। हम इस वक्त मौजूद हैं पिहरीद गांव में, और ये वही पिहरीद गांव है जहां देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू चला राहुल को निकालने के लिए 105 घंटा। देखिए, ये मैं अपने सहयोगी राजेंद्र से कहूँगा कि दिखाए, ये वही राहुल का घर है और आज एक साल पूरे हुए हैं राहुल को इस बोरवेल से सकुशल निकाला गया। गांव के हर व्यक्ति इस प्रयास की तारीफ कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों की दुआ है जो राहुल हमारे बीच मौजूद है। गाँव को पहले पीड़ित को कम लोग ही जानते थे, लेकिन राहुल की जिस तरह से दुर्घटना हुई और उसके बाद इस गांव को पूरा देश ने जाना, विश्व ने जाना, और यहां 105 घंटे का सफल रेस्क्यू हुआ और राहुल आज हमारे बीच सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल रेस्क्यू। हम राहुल के पास जाएंगे, जो दास्तां थी वो कैसे थी और किस तरह से 105 घंटा बीते बिना राहुल के, और जब राहुल आया तो उसकी खुशी क्या थी। तारीख 10 जून 2022, न्यूज 18 ने खबर ब्रेक की थी।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांजगीर चांपा से एक मासूम बोरवेल में गिर गया है। बच्चे का नाम राहुल बताया जा रहा है, जो हादसे का शिकार हुआ है और पिहरीद गांव की यह घटना बताई जा रही है। जांजगीर चांपा से यह बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रही है। तब का दिन है और आज का दिन। आज राहुल सकुशल है, खुश है, साथ ही खुश हैं उसके परिवार के लोग भी, दादी, छोटा भाई, छोटी बहन, माँ, हर कोई। ऐसे में हमने जाना कि आखिर अब कैसी है राहुल की जिंदगी। भगवान के प्रति अटूट आस्था और लोगों की दुआओं की वजह से आज हमारे बीच राहुल मौजूद हैं। और आप देखिए, अभी भी वो रोज शिव भक्ति करता है और आज भी शिव भक्ति करने के लिए आया है, जल चढ़ा रहा है। और हमारे साथ राहुल का छोटा भाई ऋषभ है। ऋषभ, बताओ उस समय कैसे लगता था आपको? मतलब बहुत घबराए हुए, डर लगता था कि अब राहुल अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, और मतलब ना बहुत गंदा लगता था उस समय। आप शुरू से उसके साथ रहते थे, खेलते थे, 5 दिनों तक इतना जिंदगी और मौत से जूझता रहा, आपको भी डर लगता रहा होगा, क्या कैसे मन में ख्याल आता था आपका कि मेरा भाई अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? मेरा भाई जल्दी निकल जाए, प्रार्थना करता था हर रोज भगवान से। और अब कैसे लगता है ये बताओ मेरे को? अब बहुत अच्छा लगता है, निकल गए हैं। अब तो वो तो रायपुर में भी पढ़ने लगा है, बड़े स्कूल में पढ़ने लगा है। हाँ, अब मतलब गर्मी छुट्टी में मौका मिलता है जी। अभी कितना आप लोग मस्ती करते हैं? राहुल, मैं सुना हूँ भयंकर तेज साइकिल चलाता था वो पहले। नहीं, मतलब चलाता था वैसे, अब बैठ जाता था, वो पैडल नहीं आता था, बस ऐसे बैठ जाता। बीच में गोड़बजवा चला के नहीं? अब पहले ये बता कि कैसे पता चला आप लोगों कि राहुल बोर के नीचे चला गया है, कैसे पहले पता चला? मतलब मम्मी वहाँ थे, हम लोग गांव गए थे, तो मम्मी मतलब दोपहर को उधर सिल रही थी और राहुल उधर खेल रहा था। अब कोला में गया तो अब पता नहीं कैसे गिरा। अब मम्मी ढूंढी तो बाहर पर पहले ढूंढे थे, गया ना वो ना मतलब कोला से इधर दरवाज़ा दे देता है, तो अब उधर से घूम के खेत इधर से वो कोला के अंदर आई तो ना रोने का आवाज़ आया, तो उधर बोर के पास गए तो देखे मम्मी, इसके बाद बुलाए मोहल्ले वाले को। उस दौरान हम लोग भी पूरे 6 दिन तक, हमारा न्यूज 18 6 दिन तक था, आपको याद है कुछ? हाँ, याद है, देखा था। अभी हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी थी याद है? उधर खेत इधर वो भी। और अब पुलिस अधिकारी सब लोग बहुत आप लोगों की मदद किए, सरकार मदद किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपकी मदद की, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, वो लोग भगवान जैसे मतलब मदद किए थे राहुल को निकालने में, पूरा सहयोग किए थे। देखिए, राहुल अब खुद मुस्कुराता है और रायपुर में भी अब पढ़ने लगा है, कुछ कुछ बोलने भी लगा है, तो जाहिर सी बात है राहुल की ये खुशी देखने के लिए पूरा देश बेताब था। लोग चाहते थे, दुआ कर रहे थे, लेकिन 105 घंटे के बाद ये राहुल, बहादुर राहुल वापस आया। आज सबके मन में खुशी है और आज यही वजह है कि 1 साल बाद भी हम राहुल को, उनके परिवार को एक साथ हंसते खेलते देख रहे हैं। जाहिर है राहुल और उसकी माँ के लिए वो दिन उनके जीवन का सबसे मुश्किल और डरावना दिन था। हमारी टीम ने राहुल की माँ से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, कैसे राहुल 65 फीट की गहराई में अचानक से समा गया। हम इस वक्त मौजूद हैं पिहरीद में, और पिहरीद में राहुल की मम्मी गीता, वो दर्द उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अपने मासूम को, अपने बच्चे को 105 घंटे तक बोरवेल में फंसे हुए देख रही थी, उसकी तड़प को महसूस कर रही थी। हम जरूर ये पूछना चाहेंगे कि आखिर वो पल कैसा था, बताएंगे कैसा था वो दौर। उस समय की बात तो बहुत ही दर्दनाक जैसे घटना था, मतलब ऐसा मानो कि जब नीचे मतलब आत्मा एकदम नीचे चला गया है। ऐसे मत पूछो कि मतलब बहुत बहुत बड़ा दर्दनाक घटना था कि बोल नहीं पा। लगता था कि कुछ गलत
ना जानकारी आई, एकदम बहुत बहुत डर लगता था कि बच्चा कैसा होगा, क्या कर रहा है, निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, मतलब निकाल सकते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा, बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था कि मत पूछो एकदम बहुत ज़्यादा। अच्छा ये बताइए, हम लोगों को बाद में जानकारी मिली, जानकारी तो थी लेकिन हम लोगों ने हल्ला नहीं किया, अंदर सांप है, मेंढक है, ये जानकारी आपको कब मिली थी? राहुल निकलने के बाद ही मिला उसका जानकारी। राहुल अक्सर बहुत चुलबुला स्वभाव का है, बहुत मस्ती भी करता है, अचानक वहाँ तक कैसे पहुँचा? और जब गड्ढा खोदा हुआ था तो आप लोग को नहीं लगा कि कहीं बच्चे गिर जाएंगे या फिर या गड्ढा छोटा था, क्या लगा था आपको? अब उस समय बच्चा, दोनों बच्चे नहीं थे, गांव गए थे, उसके बुआ यहाँ गए थे, वही 15 दिन हुआ था खोदे हुए, और ढके थे, लक्कड़ वगैरह में ढक दिए थे, बच्चा नहीं थे, और मैं भी ऐसे काम करती थी, टेलर वगैरह काम करती हैं, उसका पापा भी ट्रेन में काम करता है, तो दोनों हड़बड़ इधर उधर काम करते थे अपने, और बच्चे नहीं थे, तो ऐसे लगा कि कल ढकेंगे परसों ढकेंगे, ऐसे रुक गया वो काम। फिर बच्चा भी आ गया, आया एक ही दिन हुआ था, फिर आने के बाद, और जो रापा बोलते हैं उसको, वो भी नहीं था घर में, उसी को लेने गए थे उसके पापा, उसके आते तक ही अब बच्चा पता नहीं कैसे चला गया, क्या हुआ कैसे हुआ वही जाने, अब मैं तो देख ही नहीं थी। अचानक आपको पता चला, जब आप खोजे आवाज आई तब पता चला? हाँ, क्या था, रो रहा था बहुत ज्यादा, फिर दौड़ते दौड़ते आई, तो फिर पड़ोसी लोगों को बुलाई, चिल्लाई बच्चा गिर गया है, फिर आने के बाद और बहुत सारे अब लोग। जब ये घटना घटी तो सबसे पहले हमारी टीम ने, न्यूज 18 की टीम ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद शासन प्रशासन सभी ने इस मामले को संज्ञान में लिया। क्या कहेंगे न्यूज 18 को लेकर आप? आप लोगों की तो बहुत ही इसमें मेहरबानी है, आप लोगों नहीं होते तो इतना सभी लोगों को पता नहीं चलता, सभी लोग दुआ नहीं करते, आप लोगों की तो बहुत इसमें योगदान है, जितना भी अब शासन प्रशासन जिला अधिकारी हमारे मुख्यमंत्री सभी का योगदान। अभी, अभी है। बार बार ये घटना हो ही रही है, बोरवेल में कोई ना कोई गिरता है, जानकारी आती है, आप एक ऐसी माँ है जिसने ये दर्द सहा है, वो तकलीफ वो दौर देखा है, वो बहुत कठिन समय था, हमने भी महसूस किया, तमाम लोग यहाँ जमीन पर सोते थे, खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सब डटे रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि इस तरह की लापरवाही वो ना करें? हाँ, इस तरह की लापरवाही बिल्कुल मत करें, हम लोग इतने बड़े घटने को देखे हैं, महसूस किए हैं, ऐसी घटना जीवन में किसी के साथ मत होए, और ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी मत करें कि बोर को खोद कर खुला मत रखें, हमसे जो हुआ लापरवाही थोड़ा सा और किसी कोई भी मत करे। आज सबकी दुआओं की वजह से, सरकार के पहल की वजह से, और पुलिस प्रशासन तमाम लोगों के अथक मेहनत की वजह से, और आज राहुल यहाँ पर है, और ये मुस्कान ये खुशी इस घर की बता रही है कि सरकार ने काम अच्छा किया, लोगों ने दुआएं दिल से दी, और यही वजह है कि राहुल आज हमारे बीच मौजूद है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। न्यूज 18 की टीम एक बार फिर पहुंची उस ग्राउंड जीरो पर जहां जून की भरी गर्मी में 105 घंटे तक चला दुनिया का सबसे बड़ा बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन। आज भले ही रेस्क्यू के लिए खोदा गया गड्ढा पाट दिया गया हो, लेकिन एक साल पहले हुए हादसे के निशान अभी भी यहां नजर आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पिहरित गांव के ग्राउंड जीरो पर, जहां पर राहुल का रेस्क्यू 105 घंटे तक चला। आप देखिए, दूर दूर तक आपको कुछ छाया नजर नहीं आएगा, यही पेड़ था जो हम मीडिया कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों का, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सहारा था, और अभी भी उसके मलबे हैं वो आप देख सकते हैं, अभी भी है, पाटा जा रहा है, कुछ कार्य बचा हुआ है। ठीक यहीं पर मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूँगा दिखाएं कि यहीं पर वो बोर था, और इस बोर को अब पूरी तरह से भर दिया गया है, पाट दिया गया है, लेकिन आप देखिए राहुल इसी दीवार से खेलता हुआ यहाँ आ गया था और अचानक से वो नीचे गिर गया। 105 घंटे बाद उसे मिला, और ये उसकी दादी है। दादी, राहुल गिरे रही से वो समय कतका तकलीफ होती रही से, और अभी कतका खुशी है? आज ही तो बहुत खुश है, वो घानी बहुत मतलब भारी दुख रही से, जिला कथे सीमा सीमा ना बाहर। हाँ, बहुत दुख, कतका बे निकल ही बेटा, कतका बे निकल ही बेटा, का के ना अब रोना गाना करात रही हाँ, घेरी घिया और आना जाना करात रही, और बड़े दुख तेला कथे दुख ते बेटा, यही कर गड़ जाबे का आई है नहीं। आप तो तुम्हार गोदी में बढ़िया राहुल खेला थे, कैसे लागत है अब? भारी खुश लागत है,
तैं धरती में रहे रहे काय बेटा, तैं धरती में रहे रहे कारे मोर बेटा, मोर हीरा बेटा, मोर सोना बेटा का काके ना। और वो घानी के दुख के कोई सीमा नहीं रही से, वो घानी के दुख महा राशि राशि ठीक है। ये राहुल की बहन है, बताओ अब कैसे लग रहा है राशि आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आके खुशी हो रहा है। अब ये तो बताओ तो रायपुर में पढ़ रहा है, बढ़िया कैसे? रायपुर में पढ़ रहा है पर आता है तो बहुत अच्छा लगा। अब ये बताओ आप जब एक साथ आप लोग खेलते हैं मस्ती करते हैं और जब वो यहाँ था कैसे लगता था आपको, कितना डर लगता था? बहुत डर लगता था, वो आया तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या बोलोगे, एक महीने के भीतर ऐसी जानकारी आती है कि कोई फिर बोरवेल में गिर गया है, आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के जो बोर को खुला छोड़ दिए हैं? तो अब ऐसे मत छोड़े कि राहुल जितना घटना हो सके फिर है ना। देखिए छोटी सी बच्ची है लेकिन ये भी समझती है कि खुले में बोर नहीं रखना चाहिए। और देखिए ये चाहे ऋषभ हो चाहे राशि हो, और अब ये तीनों ऋषभ राहुल राशि इन तीनों की जोड़ी है और तिकड़म ही है तीनों। अब आप देख सकते हैं तीनों है, ये ऋषभ है, ये राशि है और राहुल है, ये नटखट बच्चे हैं और स्वाभाविक है जब बच्चे हैं शैतानी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल की दादी ने अभी बताया है कि राहुल को मालूम नहीं था कि यहाँ बोर खुदा हुआ है और यही दुर्घटना का सबसे बड़ा वजह भी बना था। हमारे न्यूज 18 से हमारी जो टीम थी वो इसी 40 डिग्री के तापमान पर 6 दिनों तक जमे रहे, पल पल की खबर दिखाए। और सबसे बड़ी बात यही है कि राहुल जब बोरवेल में गिरा तो उसकी जानकारी सबसे पहले न्यूज 18 ने दी, उसके बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया, संज्ञान में लिया और आज परिवार वाले भी न्यूज 18 का कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं और हम राहुल की लंबी उम्र की कामना करते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो हर कोई यही दुआ करता है कि कभी ऐसे हादसे ना हो, कई बच्चे खुशकिस्मत होते हैं लेकिन कई बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। सीहोर में 3 साल की सृष्टि जिंदगी की जंग हार गई थी। आइए अब एक नजर उन हादसों पर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुए बोरवेल हादसों पर। 4 नवंबर 2020 को हादसा हुआ और इस हादसे में 3 साल के प्रदात ने दम तोड़ दिया। 7 अगस्त 2021 को भी हादसा हुआ था, इस हादसे में 5 साल की राधिका की मौत हो गई थी। 10 जून 2022 को भी हादसा हुआ था जांजगीर चांपा में, इसमें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था बच्चे को। 29 जून 2022 छतरपुर में भी हादसा हुआ था, दीपेंद्र का रेस्क्यू चला था, दीपेंद्र के लिए 7 घंटे तक रेस्क्यू किया, सकुशल उसको बाहर निकाल लिया गया। 29 जून की ये बात थी। और वहीं 9 दिसंबर 2022 को भी हादसा हुआ था बैतूल में, 400 फीट गहरे बोरवेल में तन्मय गिरा था और उसका रेस्क्यू किया गया लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश मित्राएं, नमस्कार।